हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सब तो बूढ़े हो गए, पहले अपना डायरी तो ठीक करवाएं। आसिफा सियासत अपने वालिद साहब के साथ बैठती हैं। I've heard that she's too good. MQM के बहुत सारे वर्कर और कुछ लोग तो आ भी गए हैं पीपल्स पार्टी। पीटीआई में ले कैंडिडेट्स ढूंढ ले। 1997 में भी तो 16 सीटें थी। Do you remember correctly? We had 16. Then in 2002 we had a general election जिसमें हमारी 80 सीट्स हो गई, सीटें बढ़ गई। उस वक्त बीबी नहीं थी यहाँ और माय ब्रदर वाज इन जेल, सो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी केम आउट ऑफ दैट एंड फॉट बैक। तो रिवाइवल तो पीपल्स पार्टी का ज़रूर होगा। और जिस तरह बिलावल भुट्टो इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग लीडरशिप सामने आ गई है और उसने रेंज उठा ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो फोर फ्रंट में वो अपने आप को लेके आया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, आई थिंक आई सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा रब उसको साथ देगा, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लीड करेगा, इस कौम को लीड करेगा और इस कौम का बहुत बड़ा वो सिपे सलार बनेगा। मुझे समझ नहीं आ रही बात, सच्ची बात है। मैं आपसे थोड़ी सी मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे। बाहर ग्रैंड अलायंस बनता है जी। और जो ग्रैंड अलायंस बना रहे होते हैं लोग, वहाँ पे वो लोग कहते हैं जनाब के ये फरियाल बीबी से जान छुड़ा दो, अदी फरियाल से जान छुड़ा दो तो हम ग्रैंड अलायंस बना लेंगे। अच्छा फिर दूसरा, वो मैंने भी देखा, दो घंटे तो मुझे हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोग आ जा रहे थे, यहाँ पे भी मैंने उन लोगों को देखा। फिर मैंने उन लोगों को टी वी पर भी कई मरतबा देखा हुआ, अब वो मुझे नहीं देख रहे थे एनी वेज। तो वो आते भी हैं आपके पास, ग्रैंड अलायंस भी बनाते हैं, कहते हैं अदी फरियाल को साइड पे करो तो ग्रैंड अलायंस बना लेंगे। एमक्यूएम वाले भी आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, या तो ये कोई डर खौफ है या आपने उनको डराया हुआ है या फिर कुछ और चक्कर है या वो गलत है या जो अभी आप कह रही है वो गलत है। ये सियासत जो अब शुरू हुई है जिसमें एक दूसरे की बेइज्जती करना या बुरा भला कहना, हम इस तरह की सियासत नहीं करते। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम अच्छी पाक साफ सियासत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और काम करते हैं। We don't do this sort of siyasat. We don't bring Gulalai in any conversation. हम लोग मीडिया में देखते थे कि हम लोग मीडिया में बैठते थे, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते थे पीपल्स पार्टी को, सिटिंग गवर्नमेंट को, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला होता था और वो बर्दाश्त भी करते थे। और आपके एम एन एज एम पी एज जो भी आते थे टी वी पर, उनको खुल के क्रिटिसाइज करते थे हम लोग, ठीक है, और वो सुनते भी थे जी। कोई ऐसा नहीं होता था कि वो सुल्तान राही बन जाए वहाँ पर, हमारे यहाँ सुल्तान राही है ही नहीं। We don't believe in सुल्तान राही। इस पे believe करते हैं। What sort of relationship do you have with your brother? My brother, I अब एक उस बहन से पूछे जिसका एक भाई हो। अब नहीं, वो भाई से मुझे समझ आ गई थी। आ भाई, भाई जब आप सोचे क्या होगी। मैं आपको दावत देती हूँ राणा साहब, किसी दिन अपनी कैमरा लें और एक टूर पे निकले। अब हाल ही में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताते हैं। बारिशें हुई और थर में बहुत बारिश हुई, माशाल्लाह थर के लोग बड़े खुश हुए कि बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो गई। मुझे भी फ़ोनें आने लगी कि बीबी आप आए ज़रूर। आपको पता है कितना टूरिस्ट यहाँ से निकला है कराची से? वहाँ लोगों के रहने के लिए होटल्स बुक हो गई, होटल्स में लोग इतने सारे आ गए, लोगों को रहने की जगहें नहीं थी, लोग टेंट्स लेके गए वहाँ सोने के लिए, थर में। जी थर में। और वहाँ बिकॉज रोड नेटवर्क माशाल्लाह इज वेरी गुड, जबरदस्त नोट वो रोड नेटवर्क है वहाँ, लोग यहाँ से सब वहाँ चले गए, छुट्टियाँ लोगों ने गुजारी, वहाँ बहुत लोग था। और आम थर का आदमी मुझे बता रहा था कि बीबी हम बाहर निकलते तो सिर्फ हमें कराची के लोग नजर आते थे या पंजाब के लोग नजर आते थे, और सब ने अपने आप को इंटरटेन किया वहाँ। क्या रीज़न था? रीज़न एक ही है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है इंटीरियर सिंध में। यहाँ से लोग चले गए, दे फेल्ट वेरी सिक्योर, दे फेल्ट वेरी इनवाइटेड। आपको तो हॉस्पिटलिटी का पता है कि सिंध में हमारे लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, और जब वहाँ लोग आए तो सब ने उनका खातिर किया, उनको लुक आफ्टर किया, माशाल्लाह दे फेल्ट वेरी मच एट होम।
एंड दे वेंट ऑल द वे फ्रॉम हियर. बच्चियाँ, बच्चे, फैमिलीज, एवरीबडी वेंट टू थार बिकॉज थार हैड बिकम ब्यूटीफुल. बारिशों में उसका सारा मंजर ही चेंज हो गया था. कराची को क्या हो जाता है बारिश में? हाँ, बारिश में इस दफा कराची को कुछ नहीं हुआ. हाँ, मैं कैमरा लेके किसी कोने में खड़े होके बहुत सारी नहर पानी दिखा दूंगा, देखें जी यहाँ पानी बहुत खड़ा है, वो दूसरी चीज. लेकिन माशाल्लाह इस वक्त इस दफा देखें आप, शहरा फैसलवाड़ा पूरा रोड, मैं खुद निकली थी जिस दिन बारिश हो रही थी, कोई पानी नहीं खड़ा हुआ था. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप बदनाम करना चाहें तो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं. ये तो हो सकता है. मसला हो गया, मुझे कहा गया था कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका जिक्र मत कीजिएगा. मैं तो एक अन्ना सा वर्कर हूँ, पार्टी के लिए अवेलेबल हूँ. फिर आपके पास क्यों आते हैं पार्टी के लिए? देखिए, नेचुरली दे नो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा की इलेक्शंस जीत रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो है वो लोगों के हकूक देगी और पॉपुलर है. अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जितने ग्रैंड अलायंस में लोग हैं उसमें से कुछ लोग तो हमसे बातें भी करना चाहते हैं और हमें कहते हैं, कोई कहता है जी दो सीट दे दें, नहीं एक सीट दे दें जी, फलाना कर लें. लेकिन द मैटर इज़ कि अगर वो समझते हैं कि जब वो अपने लोगों में जाते हैं, अपने वर्करों में, उनके जो लोगों में जाते हैं और उनको लोग कहते हैं जी वोट तो बड़ा मुश्किल है, वोट तो बीबी का है, वोट तो पार्टी को देंगे जी, पार्टी ने बड़ा काम किया है यहाँ और हमारे मोहल्लों में या हमारे घरों में या हमारी को जी हॉस्पिटल मिल गई है बड़ी नज़दीक में, वो पीपल्स पार्टी ने दे के दिए, बना के दिए हमें, तो जारी बात है उनका वोटर, उनके लोग उनको मजबूर कर रहे हैं आज के, भाई तुम कहाँ बैठे हुए हो, पीपल्स पार्टी में जाओ. पीपल्स पार्टी काम करती है, लोगों के की खदमत करती है, तो वो मजबूर होते हैं. फिर वो देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लीडर है या लोग डरते तो नहीं है. मुझसे क्या डरेंगे, मैं कुछ को डराती हूँ, मैं क्या डराऊंगी. मैं किसी को क्या डराने लगी. तो जारी बात है लोग जानते हैं कि ये अवेलेबिलिटी है, ये इज्जत है हमारी पार्टी में लोगों की. अगर मेरे पास कोई भी इज्जतदार आदमी आएगा तो मैं, मुझे समझ नहीं आ रही बात, सच्ची बात है. मैं आपसे थोड़ी सी मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे. बाहर ग्रैंड अलायंस बनता है जी, और जो ग्रैंड अलायंस बना रहे होते हैं लोग, वहाँ पे वो लोग कहते हैं जनाब के ये फरियाल बीबी से जान छुड़ा दो, अदी फरियाल से जान छुड़ा दो तो हम ग्रैंड अलायंस बना लेंगे. अच्छा, फिर दूसरा वो मैंने भी देखा, दो घंटे तो मुझे हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोग आ जा रहे थे, यहाँ पे भी मैंने उन लोगों को देखा. फिर मैंने उन लोगों को टीवी पे भी कई मरतबा देखा हुआ है, अब वो मुझे नहीं देख रहे थे. एनीवेज तो वो आते भी हैं आपके पास, ग्रैंड अलायंस भी बनाते हैं, कहते हैं दी फरियाल को साइड पे करो तो ग्रैंड अलायंस बना लेंगे. एमक्यूएम वाले भी आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, या तो ये कोई डर खौफ है या आपने उनको डराया हुआ है या फिर कुछ और चक्कर है या वो गलत है या जो अभी आप कह रही है वो गलत है. नहीं देखिए, आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी. इट्स लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. या इसको पॉलिटिक्स कहते हैं जो मुझे नहीं आती. नहीं नहीं नहीं, इसकी ये पॉलिटिक्स जो है ना जी, ये इनकी पॉलिटिक्स से हमारी नहीं है. लेकिन हम ऑफ कोर्स हमारे यहाँ ये सिस्टम एक है कि कोई भी अगर पार्टी में आना चाहता है तो हम उसको इनवाइट करते हैं. हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और पार्टी में हम लोगों को इनक्रेज करते हैं, हम लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं. अगर हमारा कोई मुखालिफ भी होता है उसको भी हम इज्जत से बात करते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं. ये सियासत जो अब शुरू हुई है जिसमें एक दूसरे की बेइज्जती करना या बुरा भला कहना, हम इस तरह की सियासत नहीं करते. हम किसी का नाम नहीं लेते, हम अच्छी पाक साफ सियासत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और काम करते हैं. We don't do this sort of siyasat. We don't bring Gulalai in any conversation of ours. अच्छा, मुझे एक बात बता, आप तो फिर उस तरफ चल पड़ी ना गुलालाई की तरफ, तो मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने शुरू कर दिया. खैर, एनीवेज मुझे बताएं कि ये आप जो सियासत थी, जो आप जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में थे उस वक्त, ये था कि कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई. ठीक है, और हम लोग मीडिया में देखते थे कि हम लोग मीडिया में बैठते थे, हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे पीपल्स पार्टी को, सिटिंग गवर्नमेंट को, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला होता था और वो बर्दाश्त भी करते थे. और आपके MNAs, MPAs जो भी आते थे टीवी पे, क्रिटिसाइज करते थे हम लोग, ठीक है, और वो सुनते भी थे जी. कोई ऐसा नहीं होता था कि वो सुल्तान राय बन जाए वहाँ पे, कोई सुल्तान राय भी नहीं बनता. हमारे यहाँ सुल्तान राय है ही नहीं. We don't believe in Sultan Rais. इस पे believe करते हैं. हम इंसानियत में believe करते हैं, हम service में believe करते हैं, हम आजजी में believe करते हैं. अच्छा. ये हमारा मज़हब भी है और ये हमारा culture भी है. We believe in आजजी, we believe in giving, we believe in listening. देखिए, ये people's party का culture है. आप हमारे worker को बुला लें, worker हमारे खड़े होंगे, वो हमें criticize भी करेंगे, हम सुनते हैं उनकी. हम कहते नहीं बोलने दो. अक्सर ये होता है कि हमारे worker meetings में लोगों को हम बोलने की इजाज़त देते, आप बोलें, आप कहें जो आप कहना चाहते हैं. हाँ,
गलत होंगे तो मैं जरूर टोकती हूँ, वो कहती हूँ कि गलत है। जैसे हाल ही में एक जी वो मैं खुद ही 2013 की बात है जी, डांट रही थी आप जी, वो मेरे डांट खैर मैं नहीं रही हूँ, मेरे इसलिए कि बहुत हुजूम था तो मुझे ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। मेरे वर्कर थे शहदादकोट कंबर के, जहाँ की मैं MLA हूँ, वहाँ के पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, वर्कर आए हुए थे, हमारी पार्टी मीटिंग थी। पार्टी मीटिंग में ग्रुप्स होते हैं बच्चों में, बच्चे थे, कोई यूथ के लड़के थे, कोई सपाफ के लड़के थे, मेरे लिए तो बच्चे हुए, मैं तो उनकी माँ हूँ। तो मैंने उनको डांटा कि बेटा नारे मार रहे थे, मैंने कहा बेटा नारा एक ही है और वो नारा है जिए भट्टो। हम पहले कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पहले कहते हैं हम मुसलमान हैं, पहले हम करते हैं कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत में हम फख्र उसको महसूस करते हैं कि हम मुस्लिम्स। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए और मुसलमान हुए, ये खुदा का बहुत बड़ा करम है हम पे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनने हमें मुसलमान और अल्लाह दिखाया। उसके बाद हम अपनी पार्टी में यकीन करते हैं कि ये एक हमारी पार्टी है, वी बिलीव इन दैट पार्टी। हमारा नारा है जो है वो जिए भुट्टो जिए बेनजीर, ये हमारे नारे हैं। तीसरा भी था भुट्टो के लिए है, बीबी के लिए है, ओनली फॉर बीबी, ओनली फॉर भुट्टो, नोबडी एल्स, नो पर्सनैलिटी काउंट्स एक्सेप्ट बीबी, जुल्फकार अली भुट्टो और अब बिलावल, हमारा और कोई नारा नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का नारा मारेंगे तो मैं एज अ वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोकूंगी कि मत करो, ये गलत है, इस तरह मत करो, ये हमारे को जेब नहीं देता, ये हमें जचता नहीं, तो हम मना करते हैं। और उसमें मैंने तंबी की अपने, जिस पे अगर आप गौर से वो वीडियो देखें तो पीछे से जो बैठे हुए लोग तालियां मार रहे हैं, कुछ से आधी दिखाई गई, आधी नहीं दिखाई गई जी जी, वो दिखाई गई दिखाने के मकसद के लिए, बिकॉज और तो कुछ मिल नहीं रहा ना। देखे ना, आपने फरियाल तालपुर के लिए बहुत कुछ कर लिया, अदी को आपने बशरफ के टाइम में बहुत छान लिया, देख लिया, बहुत ढूंढ लिया कि कुछ निकल आए, कोई करप्शन ही निकल आए, कुछ तो निकल आए। जब मुशरफ के ज़माने में आपको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो फिर आ जाओ अब इस ज़माने में देख लो, अब कुछ निकल आए, कुछ नहीं निकला तो कभी पर्स ले ली कभी। अच्छा, ये पर्स वाला क्या किस्सा था? मुझे जो समझ आती है, एक तो वो कोई हुकूमत का हेलीकॉप्टर नहीं था वैसे जी, नहीं, इट्स अ कमर्शियल। और दूसरा ये था कि वो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में थोड़ा सा गैप भी आ जाता है, सो मेरे ख्याल में वो आप छलांग तो लगा नहीं सकती थी जी। तो वो आपने, आपके किसी ने बैग पकड़ लिया जी, तो बैग तो आज नहीं लाई आप ना? नहीं, स्टेप तो ही नहीं ना, स्टेप नहीं। देखिए जी, मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, हमारे वो किसी ने एक पार्टी की मीटिंग रखी थी और अपने गांव में रखी थी, अच्छा, बहुत दूर था, तो मैंने कमर्शियल, इट्स अ कमर्शियल हेलीकॉप्टर, कोई सरकारी नहीं है, सरकारी तो मैं लेती कभी भी नहीं हूँ, कोशिश मेरी होती कि कभी सरकार के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ, या किसको इंडिकेट कर रही, कौन सरकारी हेलीकॉप्टर? मैं किसी के लिए नहीं कह रही, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनके लिए कह रही हूँ, इसलिए कि वो तो पाक साफ है ना, सिर्फ खराब तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बाकी बिल्कुल जी, देखिए ना, गंगा नहाए हुए। अच्छा, अब होता ये, हुआ ये कि हम उतरे तो एक नीचे गहराई है, अब मैं 16 साल की बच्ची तो नहीं हूँ जिसने टेनिस शूज पहने हो और जीन्स पहनी हो, ठांक के मैं छलांग मारूं, मैंने अपना दुपट्टा भी संभालना है, मैंने नीचे भी उतरना है, उसके पंखे भी चल रहे हैं, तभी मुझे थोड़ी सी घबराहट होती, सामने लोग भी खड़े हैं रिसीव करने के लिए, जिनने की दावत थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला है, मैं उसको नीचे देख रही हूँ। अब मैं नीचे जब उतरी तो किसी ने आके, और मैंने देखा भी नहीं कौन था, उसको मेरी पर्स में हाथ डाला कि अदि मैं ये होल्ड करता हूँ, आप नीचे उतर जाओ, तो मैंने उसका दरवाज़ा पकड़ा है और मैं जंप करने की कोशिश कर रही हूँ, बस अब जिस बेचारे ने वो पकड़ा बैग, उसकी तो हो गई, उसकी कहानियाँ बन गई, फसाना बन गया। ये तो फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है ना कि जी कुछ मिल नहीं रहा आपको, आपने बहुत ढूंढ लिया तो आप बैग लेके पकड़, और मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर हुआ, दुख हुआ कि लेडी एंकर ने बैठ के इस पर प्रोग्राम किया और उस पर बातचीत की, उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कैम शो के वो भी कहीं अगर निकली होगी, कभी जिंदगी में गई होगी, अगर आप किसी जहाज में भी ट्रैवल कर रहे हैं और ऊपर आपने अगर अपना बैग रख दिया, और अक्सर मैंने देखा है कि औरतें अगर खड़ी होती तो कोई ना कोई मर्द सामने आता है, खुद निकालता हूं बैग निकाल के जी, खुद हेल्प आउट करता हूं,
तो खुद देता हूं। ये तो हमारी तहजीब है जी, ये हमारा कल्चर है। अगर बस में कोई ट्रैवल कर रहे होंगे और औरतें बैठी होंगी तो वो ये होता है कि मर्द हजरात कहते हैं कि बहन आप यहाँ बैठ जाए, मैं उठ जाता जब बहुत रश होती है। वैसे तो कंपार्टमेंट औरतों का अलग है, सामने सामने बैठती है, लेकिन अगर कभी रश हो जाती है और औरतों को मजबूरन मर्दों के साथ ट्रैवल करना पड़ता है तो अमूमन ये होता है जी कि औरत अगर कहीं कहीं अगर क्यों में भी औरत खड़ी होती तो मर्द हजरात कहते हैं बहन आप आगे आ जाए। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा यू नो एक जिसपे हम फख्र करते हैं। हालांकि वेस्टर्न वुमेन के आप देख लें तो वह अगर क्यों है तो आप भी क्यों में खड़ी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये सिलसिला है तो ये हमारा एक मजहबी फ़र्ज है और एक हमारा कल्चर है हम मुसलमानों का कि हम किसी औरत को देखते तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और सिंध में तो खैर औरत की के लिए बड़ी इज्जत होती है। हमारे यहाँ तो बहन का अगर बहन कह दिया तो फिर उसके उसको निभाना है, उस वर्ड को हम निभाते हैं, माँ को बहन को बड़ी इज्जत देते हैं हमारे मुल्क। तो अफसोस है मुझे उन पे तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया और अब भी कुछ मिला नहीं तो वो पुरानी एक वीडियो चला दी 2013 की इलेक्शंस की कि भाई जाइए वो खड़ी हैं देखें वो किस तरह बात करें, उस पे भी प्रोग्राम चल गए। हाँ हाँ देखो जी भाई, मैं अपने वर्करों अपने पार्टी के वर्करों से मुखातिब हूँ, तंबी कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि बेटा एक ही नारा है जिए भुट्टो का, दूसरे नारे मत लगाओ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई करप्शन हो रही है, कोई मैं गलत बोल रही हूँ, कोई गलत डांट रही हूँ, और मैं उन सब की माँ हूँ, मेरी उम्र अब क्या, कोई मैं बच्ची हूँ क्या समझ रखा है सबने? It's silly petty things. I mean, journalism is fine. You do whatever you want to. आप लाएं जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन ऐसी चीज़ों की बात करें जो मैटर करें, जो डिफरेंस करें। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जी मैं अपने वर्करों से बात गुफ्तगू कर रही हूँ तो उसकी वीडियो बना दें। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो, कि अभी आपने कहा कि जनाब बिलावल जो है वो आपको नज़र आते हैं असेंबली में और आसफा की मर्ज़ी है वो आए असेंबली में ना आए, लेकिन लेकिन आप बिलावल को कुछ भी कह रही हैं कि यार शादी कर लो, ठीक है, फूफी आप कह रही हैं, आप उनको ऑप्शंस भी दे रहे हैं, वो कह रही हैं मैं अपने बहनों से पूछ के बताऊंगा एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं। इलेक्शन से पहले कुछ शादी करवानी है आपने बिलावल? देखिए जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं इस तरह ना करें। नहीं देखिए जी, अभी आप नहीं, मैं सरेंडर नहीं, बिल्कुल जी, मैं उसके सामने हमेशा हर चीज़ पे सरेंडर कर लेती हूँ बिकॉज वो जो है ना मुझे इतना प्यारा है इतना प्यारा है कि उसको देख के मुझे बीबी याद आ जाती है। एक तो उसके चेहरे में बीबी है, उसको आप देखेंगे तो बीबी है, जुल्फकार अली भुट्टो है, तो उसको चेहरे में देख के वो जो कहता है मैं तो मतलब बैक कर देती हूँ। वो मेरा बच्चा, मेरा नेफ्यू भी है, मेरा खून है और मेरा लीडर भी है, तो मैं वैसे भी गिवन कर जाती हूँ उसकी हर बात को, गिवन करती हूँ। वो मेरी, वो कहते हैं ना आपकी कमज़ोरी ज़िंदगी में क्या है, तो आई थिंक मेरी वो कमज़ोरी है। अच्छा। और वो फैमिली भी फील करती है कि मेरे नाम से इसकी कमज़ोरी ये है, उसको देखती हूँ और बिल्कुल मैं खिल उठती हूँ उसको देख के, मुझे उसकी बातें, उसकी चेहरे के मुस्कराहट, उसकी हर चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा, सारी चीज़ें जो थी मोहतरमा जब जिंदा थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उस वक्त उन्होंने आपको इलेक्शन लड़ने के लिए भी कहा, फिर उसके बाद आपको नाज़िम भी बनाया, सब कुछ किया, और देयर आर सो मेनी अदर ओकेजंस यहाँ पे, लेकिन अपनी जो उनकी बहनें थी उनको क्यों नहीं आगे लेके आई? जी बता नहीं मुझे, ये तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, उनकी अपनी मर्ज़ी थी। मुझे इतना याद है कि बीबी ने मुझे बच्चों का गार्डियन बनाया और लिख के गई अपनी विल में भी और मुझे बताया भी, मेरे हस्बैंड को भी बताया, हम दोनों मियाँ बीबी को बताया कि मैं अपने बच्चों का गार्डियन आपकी वाइफ को कर रही हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उस वक्त तो मुझे समझ में बात नहीं आई ना, बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ सच थिंग्स हैपनिंग। तो मैंने हंस के कहा बीबी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको हयाती दे, क्या बातें कर रही हो आप? हाँ बिल्कुल, आप चाहती हैं जैसा आप चाहती हैं करें, बिकॉज मुझे गार्डियन बनाए बच्चों का, आई वुड लव टू बी देयर गार्डियन, आई लव टू, मेरी आँख के तारा, मेरा मतलब द चिल्ड्रन आर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई नेफ्यू एंड नीसेस, मुझे बहुत प्यारे हैं। What sort of relationship do you have with your brother, Asif? My brother, I, अब एक उस बहन से पूछे जिसका एक भाई हो। आप नहीं, वो भाई से मुझे समझ आ गई थी। हाँ भाई, भाई जब आप सोचे क्या होगी? जी, he is my mentor. अच्छा। ही इज़ माई फादर, मेरे वालिद के बाद अगर मैंने कभी किसी की इज्जत की तो उनकी इज्जत की और हमेशा करती हूँ।
अगर मुझे डांटते भी हैं तो डांट पड़ती है, बहुत बहुत डांट पड़ती है। अच्छा। बिल्कुल पड़ती है। अच्छा। जैसे बहनों को डांट पड़ती है भाइयों से। हाँ। बिल्कुल डांट पड़ती है, वो जरूर कहते हैं, अक्सर मेरे कपड़ों में जरूर कहते हैं। अच्छा, क्या कहते? नहीं, तुम्हें अच्छे इससे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा। मैं कहती हूँ नहीं, मस्त हूँ ऐसे, ठीक हूँ, फकीरों को क्या क्यों तंग करते हो, फकीर ऐसे ही अच्छे। अच्छा। तो मैं तो बिकॉज जी माई मूवमेंट हैज ऑलवेज बीन विद अ लोअर क्लास, मतलब मैं हमेशा गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, फकीरों के साथ। ज़िले नाज़िम थे ना जी, ट्रेनिंग हमारी नर्सरी वो हुई है। ज़िले नाज़िम को अगर आप देखें, जो सही ज़िले नाज़िम थे, उनके दरवाजे खुले होते थे और उनके दफ्तर में हर किस्म का आदमी आ सकता था। मुझे याद है एक बार स्ट्राइक हो गई थी, तो हमारे यहाँ जमादारों ने स्ट्राइक की थी, तो मैंने तो मेरे तो जमादार मेरे साथ सोफों पर बैठे चाय पी रहे थे, और मैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई खुदा के लिए स्ट्राइक बंद करो, वो गटर बंद हो गए हैं, पानी आ गया है, लोग चीख रहे हैं, तुम लोग ने ये क्या किया। मतलब हम उस तबके के लोगों के लिए एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायमंड्स एंड रिंग्स एंड वॉचेस की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ऐसे ही बच्चों गरीबों के साथ निकल पड़ती हूँ, चले जी कपड़े अच्छे पहन के चले चलो, चादर पहनती हूँ, चादर की बहुत लाइक मैं पसंद करती हूँ चादर की को, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। और मैं इसलिए कि मैंने बहुत सारा वक्त रूरल एरिया में अपना गुजारा है, रूरल, तो वहाँ का रूरल टच मेरे में बहुत आ गया था। मुझे बड़ा पसंद है गांव की ज़िंदगी, मैं वहाँ 8 साल रही हूँ बाकायदा जाके, 8 साल क्या 12 साल रही हूँ उस रूरल बैकग्राउंड में जाके, बाकायदा रहना मतलब डिफेंस वेफेंस का घर छोड़ के जाके वहाँ रह जाना, बस जाना, तो मैं तो वहाँ बस गई थी ना जी, तो वहाँ का टच बहुत है मुझ में, मैं लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ। तो अक्सर डांट पड़ती है कपड़ों पे कि कपड़े और अच्छे पहना करो, मैं तो कहती हूँ जी ठीक है, मैंने ठीक तो पहने। गवर्नमेंट आप बना लेंगे आइंदा इलेक्शंस के बाद, या इलेक्शन स्वीप कर सकेंगे, या अगर नहीं कर सकेंगे तो किस पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे आप? देखिए जी, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, इट्स गोइंग टू बी द डिसीजन ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी एंड आसिफ जरदारी एंड चेयरमैन एंड को चेयरपर्सन, एंड ऑफ कोर्स हमारी कंसल्टेशन पार्टी के साथ, पार्टी के और भी बहुत सीनियर लोग हैं जिनके साथ होगी। यस, हम इलेक्शन में तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देंगे, पीपल्स पार्टी विल फील्ड इट्स कैंडिडेट, मे बी वी बिकम द ब्रेकर्स एंड मेकर्स, एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। यस, आई एम। अच्छा जी, एंड इट विल पीपल्स पार्टी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग इलेक्शंस। अच्छा। एग्जैक्टली, बिकॉज ये सब पार्टीज जो है ना, इनका कोई मैं क्या कहूँ, इनका कोई मैनिफेस्टो क्या कहूँ, इनका कोई विजन क्या कहूँ, इनकी कोई सोच क्या कहूँ, नहीं है। आप यूथ को क्या दे रहे हैं, आप औरतों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है, what are you coming up, what is your plan, what is your future plan, it doesn't seem to be like that at all. It's just standing on stages and accusing people. Accusations ki politics chal rahi hai is waqt, which will not in the long run, this will not be, will not bring fruitful results. Koi result nahi hogi na agar aap khade hokar sirf keh denge oh main sultan rai ban gaya, oh ye ho gaya, oh ye hone wala, oh nahi karta, oh nahi karta. What happens? That is not a result. That's not, you're not giving anything. What is your vision? What is your plan for the people of this country? You don't have a vision. You don't have a plan. You just have conversations, accusations on people. So these political parties, I don't see a future of them in the long run. People's Party, because it's got its own ideology, its own system, ek worker hai, ek thought hai, ek vision hai, ek progressive attitude hai, jo is mulk ki zarurat hai. वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो है ना, वो इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। वो वक्त चले गए, वो तमाशे चले गए, जो अब लोग चाहते हैं डिलीवरेंस, काम चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं। वोट जो लोग देते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे काम हो, लोग बाहर निकलें, वर्कर्स निकलें, MNAs MPAs निकलें, नज़र आए फील्ड में। वो मैं इनकी पार्टी के लोगों को सिवाय टेलीविज़न पर बैठ के लोगों की नुक्ताचीनी करना और लोगों के ऊपर करप्शन के और हर किस्म के इल्ज़ामात लगाना, ये अलावा कुछ नहीं। कोई एंकर इनसे ये नहीं पूछता कि ठीक है जी आपने कह दिया फलाना बुरा फलाना बुरा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कितना अवेलेबल हो,
आप कितना टाइम दे रहे हो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आप क्या लाए हो, आप पैकेज क्या दे रहे हो लोगों को, कुछ चीज़ आप ऐलान कर रहे हैं किसी चीज़ का, एंड आप जब टीवी देखते हैं, जो मैं आम पब्लिक की बात, वो रात को तो डिप्रेशन में सोते होंगे, इसलिए कि आप तो मुल्क को बिल्कुल, आई मीन वी आर, मुझे तो छोड़ दे बीच में से मतलब आप देखिए ना, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू द पब्लिक ऑफ दिस, एंड इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग क्या सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क की बुराई, सिर्फ अपने लोगों की बुराई, कोई अच्छी बात नहीं, कोई मुस्तकिल की बात नहीं, क्या दिखा रहे हो आप पब्लिक को, पब्लिक को आप डिप्रेशन दे रहे हो, पब्लिक को आप होप नहीं देनी चाहिए, पब्लिक को ये नहीं कहना चाहिए कि जी नहीं ये मुल्क तरक्की करेगा और अपने मुल्क के लिए करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, हम डिलीवर करेंगे, हमारा मैसेज ये है कि हम मुल्क के लिए करें जी, आप छोड़ें जी फलाने का, आप मुझसे क्यों पूछ रहे, मैं बताता हूँ हमारी पार्टी क्या करने वाली, ये कभी आपने किसी लोगों से सुना, पार्टी के लोगों से सुना, उनके अपोजिशन पार्टी इस तरह की बात करते, ग्रैंड अलायंस में इनने बात की कि जी हम ग्रैंड अलायंस करेंगे जो हमेशा करते हैं, और हमने तो ये हमारी पॉइंट से जी ये हम करेंगे लोगों के लिए, हम ये, किसी ने ये बात कही, दैट इज, ये बड़ी अफसोसनाक बात है इस मुल्क के साथ। अच्छा एक और बड़ा मुझे नहीं समझ आ रही, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, कि जब जरदारी साहब हुकूमत में थे तो 5 साल पूरे किए उन्होंने माशाल्लाह, और कोई फौज के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब आते हैं तो मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव का उसका राइट है, वो एक आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ खुद अपॉइंट भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, लेकिन वहाँ पे एक यू नो एक कशमकश शुरू हो जाती है, एक टेंशन शुरू हो जाती है, वाई इज़ इट सो, और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हो जाती है, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए हमारा हमारी बिकॉज हमारी जो सोच है ना, लड़ते क्यों नहीं आप, क्यों लड़े हम देखिए ना, एक तो फौज एक इंस्टीट्यूशन है, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स टुडे गेट सम फैक्ट्स, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, फौज कहाँ की है, आपके मुल्क की है ना, उनमें लोग कौन है, आपके पाकिस्तानी हैं, आप ही के लोग हैं, अब फौज को आप बुरा भला क्यों कहोगे, फौज आपकी फौज है, उसको भी ओनरशिप चाहिए, उनको आपने ओन करना है, उनको आपने रिस्पेक्ट देनी है, और फौज की जो के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, मिलिट्री एंड सिविलियन रिलेशनशिप विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद फौज शुड बी अ वर्किंग रिलेशनशिप, शुड बी नॉट बी अ रिलेशनशिप जहाँ आप, मैं जी मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं यूँ नहीं करूँगा, जायज़ बात है आप मनवा लें, उनकी मान लें, आपकी जायज़ बात है आप अपनी बात मनवा लें, देर शुड बी अ कॉन्वर्सेशन, अ रिलेशनशिप, अफसोस है हमारे मुल्क में वो रिलेशनशिप जो है ना वो लैक करती है, ये लोग हर चीज़ को अना बना देते हैं, भाई अगर आपको एक रिलेशनशिप अपनी रखनी है, रखनी चाहिए फौज के साथ, बिकॉज इट्स द थर्ड पिलर ऑफ योर कंट्री, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री, बिकॉज आपकी जो आपका जो मुल्क है, एक तरफ से इंडिया है, दूसरी तरफ से ईरान है, देखो द स्ट्रेटजिकल पोजिशन, एक तरफ से आपका अफगानिस्तान है और जो पोजिशन और जो हालात हैं आजकल अफगानिस्तान पे, तो आप और कितने बेचारे फौजी जो हैं इन स्क्रिमिशेस में मरे हैं, बेचारे शहीद हुए, सो यू नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर, दे शुड बी अ इशू, जो भी इशूज़ हैं हमारे, स्पेशली टेररिज्म का इशू है, विच इज़ द इशू विच इज़ बिल्कुल ही आपकी जो है वो मुल्क पे जो है वो जड़ें पकड़ गई है, उसके लिए आपने क्या करना है टेररिज्म के खिलाफ, इसमें आपको फौज की ज़रूरत है, तो आपकी एक रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, और अगर इस तरह की स्ट्रेन रिलेशनशिप होगी, और जो मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग इन इस्लामाबाद, नॉर एम आई सिटिंग इन इस्लामाबाद, भी जाती है जाती हूँ, कम ही जाती हूँ, लेकिन मतलब इन द सेंस कि आई एम नॉट ऑन द कॉरिडर्स वेयर डिसीजंस आर बीइंग मेड एंड कॉन्वर्सेशंस आर टेकिंग प्लेस, मुझे नहीं मालूम इन डिटेल्स की क्या है, लेकिन आई थिंक देर शुड बी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स विद द फोर्स, सो दैट यू नो स्मूथ वर्किंग हो गवर्नमेंट की। अभी सोशल मीडिया में कुछ अर्सा पहले आपकी तस्वीर आ रही थी, वो क्या नाम था उसका जी, वो उज़ैर बलोच की, लेकिन उस तस्वीर को बड़ा हाईलाइट किया गया, स्टेटमेंट क्या था, आपने सुना उसका? देखिए बहुत अजीब सी, अब ये भी देखे ना कि किसी औरत को बदनाम करने का हाँ। किस तरीके से तरीका किया जाता है, इसलिए हंस रही हूँ कि देखे कुछ किसी चीज़ का सर पैर नहीं है, ठीक है,
नहीं, लेकिन उस तस्वीर में तो आप थी। तस्वीर में जी एक दावत है। हाँ। मेरे एमएनए एमपी एमएनए जो वहाँ के एमएनए और एमपीए था। हाँ। उस जमाने में दावतें चल रही थी। अच्छा, हमें एक एक किस्म का एक पैगाम मैसेज था कि जी आप लियारी आप लोग नहीं आ सकते। अच्छा, हमने कहा अच्छा हम लियारी नहीं आ सकते। हाँ। हमारे एमपीए ने की दावत। हाँ। कि भाई आ जाए, हम सब एमपीए दावत रखे, हम लियारी में एक दावत रखना चाहते। क्यों नहीं, मेरा लियारी हमारा लियारी। हाँ। अगर आपको मैं कहूं कि जी फलाने एरिया में आप नहीं जा सकते, तो आप कहेंगे भी मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। हाँ। मेरा एरिया है, मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क में क्यों नहीं जा सकता हूं। हाँ। एक दावत रखी गई। हाँ। उस दावत में सब हम सब मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर भी मेरे साथ हैं, सब लोग हैं। हाँ। हम उस दावत में गए, इट्स अ दावत ऑफ एन एमपी। वहां जब हम पहुंचे तो सब सामने लोग आए, एक शख्स आया मेरे सामने जिसके हाथ में कुरान शरीफ था। मैं तो उसको नहीं जानती थी, वो कौन है। I didn't know who he was. I'd never seen him before. उसके बाद वो कुरान शरीफ लेके सामने आया, उसके लोग खड़े थे वहाँ, हम सब बैठ गए। मुझे पता पड़ा ये उज़ैर है, उसकी वाइफ भी थी जी, मैं उज़ैर। हमने कहा अच्छा भी आप उज़ैर होंगे, what do I know? बात आई गई हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और उस ज़माने में तो अगर आपको याद हो, उज़ैर के साथ तो बहुत लोगों की तस्वीरें, आपके टीवी एंकर्स की तस्वीरें, पोलिटिकल लोगों की तस्वीरें, सबकी तस्वीरें। अब एक प्रोग्राम उठा के वो लोग ने एक टीवी में, मैं वही तो कहती हूँ उनको कुछ मिलता जब नहीं है तो इस किस्म के वो एक अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। अब वो तस्वीर लेके जी घुमाई 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 घुमाई, फिर एक झूठी सी कोई GITV भी निकाल के ये लोग ने पेश करवा दी। मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि एक GIT जो है जिसमें जिक्र मेरा कहीं मौजूद नहीं है और उसमें सब ने सिग्नेचर्स की हुई है। हाल ही में वो जो एक मिनिस्टर थे हमारे लॉ के, उसने टेलीविजन पे बात खोली कि आई एम नॉट मेंशनड एनीवेयर, सो आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग, आई डोंट हैव टू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम। खाम खाम इन लोगों ने एक तमाशा बना दिया है इसके ऊपर और लोगों के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि मेरा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक था। मेरा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इनफैक्ट मेरा ख्याल है, मुझे सईद गनी ने भी उस दिन बताया था कि एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो कह रहा है खुद कि मैं नहीं जानता, मेरे नाम से हम दावत है किसी और, ये इस तरह से कह रहा है कि जी कि कोई दावत है उसमें मेरी मुलाकात हुई। आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो व्हाई दे एफिलिएट मी विद हिम ऑल द टाइम। अच्छा, आपके पास से नए लोग आए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, मैं उनका पूछना जरूर चाहूँगा क्योंकि आपने सईद गनी साहब का जिक्र किया। मैंने कहा एक दो और लोगों के बारे में पूछ लूँ। एक PTI से एक बंदा तोड़ के ले आई, बंदी तोड़ के ले आई आप, जबरदस्त, ठीक है। मेरे को पता नाज बलोच जी बहुत अच्छी है। अच्छा। हमारी अपनी बच्ची है, उनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे। हुँ. और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हुआ कि उस बच्ची ने एक सही कदम लिया। हुँ. सही पार्टी में आई, अपनी पार्टी में आई। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए। शी इज़ राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। व्हाट अबाउट मुर्तज़ा वहाब? ओ ज़बरदस्त, वो तो फौजिया वहाब का बेटा है माशाल्लाह। उसकी वालिदा हमारे साथ सियासत में, मेरे साथ बैठती थी नेशनल असेंबली में, साथ सियासत भी की है। उसका बेटा भी है, वो अभी सेनेटर है। पार्टी ने जी बड़ा इनक्रेज किया उसको। अक्सर मैं ऐसे लोगों को बहुत इनक्रेज करती हूँ, जो भी बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो इस वक्त यू नो जो फ्यूचर फेसेस नज़र आते हैं मुझे कि ये कल को काम कर सकते हैं पार्टी के लिए, पार्टी में मेहनत करते हैं, और उन लोगों को मैं बहुत अपने साथ उनको बहुत इन्वॉल्व करती हूँ पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज पे, पार्टी में बहुत इन्वॉल्व करती हूँ। मेरे ख्याल में अब मैं आपकी जान छोड़ दूँ है ना, क्योंकि आप भी बैठ बैठ के तंग आ गए दिस लाइट इज बॉदरिंग यू जी, ये मेरे को आइस को रिफ्लेक्ट करती है, डजंट मैटर। लेकिन ऐसे धूपों में हम बहुत चले हमने ऐसे धूपों में, आप किसी उस शख्स से बात करें जिसने जनरल इलेक्शन लड़े हैं, जो लोग जनरल इलेक्शन लड़ते हैं ना वो लोगों के दरवाजों पे जाके वोट मांगते हैं, वो उनको धूप सर्दी ये चीज़ें असर नहीं करती हैं, वो चलते हैं लोगों के साथ। It was a pleasure having you on my show. Thank you for inviting me. Thankful. I'm thankful to you that आप all the way Islamabad से आए मेरे को इंटरव्यू करने, मेरे जैसे ना चीज़ एक छोटी सी वर्कर के लिए, पार्टी की वर्कर के लिए, पार्टी की वर्कर के लिए आए। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर कमिंग जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस यहाँ पे कोई वाइंड अप नहीं करना चाह रहा जी, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा ओवर हियर, आई लीव द रेस्ट टू यू। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।